लद्दाख के बारे में मुझे इतना तो पता था कि वो बहुत खूबसूरत है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसकी खूबसूरती इस दुनिया से परे है। ऊंचे-ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, घुमावदार रास्ते, दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पैसेज और इन सबसे बढ़कर लद्दाख के अमेजिंग लैंडस्केप्स इस जगह को एक ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड फील देते हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पर लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी से बिल्कुल उलट, लेह शहर की खूबसूरती अपने आप में बिल्कुल अलग है। क्योंकि लेह सदियों से विभिन्न सभ्यताओं और ट्रेड रूट्स का केंद्र रहा है, इस शहर पे तिब्बत, सेंट्रल एशिया और भारत से आने वाले लोगों ने अपनी सभ्यताओं की अमिट छाप छोड़ी है। इस दो पार्ट एपिसोड में मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ लेह पैलेस, सेमो कैसल, नामग्याल मोनेस्ट्री और शांति स्तूप की यात्रा पे। तो चलिए शुरू करते हैं लेह शहर का ये खूबसूरत सफर। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं निकल रहा हूँ लोकल साइट सीइंग के लिए लेह की, और ये देखिए मेरे पीछे जो होटल है, काफ़ी क्यूट सी प्रॉपर्टी है, छोटा सा होटल है और बिल्कुल ही शांत एनवायरनमेंट में बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग है। रूम रेंट की बात करूँ तो 800 रुपये रूम रेंट है। सुविधाएं ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज व्हाटएवर यू नीड इज देयर, वाईफाई वगैरह सब कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्किंग स्पेस भी काफ़ी अच्छी खासी जगह है। सेटिंग के बीचों बीच बना हुआ द किंगडम नाम है होटल का। तो आज का प्लान ये है कि आज लेह लोकल घूमा जाएगा, शांति स्तूप, लेह पैलेस वगैरह सारी चीज़ें, और लेह की जो लद्दाख की जो क्विजीन है वो ट्राई की जाएगी। आज अभी यही सब ट्राई करते हैं, कल फिर नुब्रा की तरफ प्रस्थान किया जाएगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी प्लान है कि लेह पैलेस पहले में सोच रहा हूँ पहले लेह पैलेस चला जाऊँ, और उसके बाद फिर क्योंकि लेह पैलेस सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है यहाँ, तो पहले वो घूम लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का रास्ता फिर देखेंगे, आगे चलेंगे। मैं पूछना पड़ेगा ये लेह पैलेस जाने के लिए किधर से जा सकते हैं। अंकल, अंकल लेह पैलेस कैसे जाएं? लेह पैलेस जी ये रोड से जाएगा। चलो अच्छा ठीक है ठीक है। अंकल काफी श्योर लग नहीं रहे थे, किसी और से पूछता हूँ कि लेह पैलेस कैसे जा सकते हैं। भैया अंकल ये लेह पैलेस कैसे जा सकते हैं? लेह पैलेस सीधा जाइए, सीधा। ओके हाँ जी, सीधा सही, यहाँ से सीधा जाइए तो ओके ठीक है ठीक है। थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स लेह की खूबसूरती, और इधर से आगे जा करके लेह पैलेस का रास्ता है। अंकल लेह पैलेस के लिए किधर जाना पड़ेगा? लेह पैलेस के लिए हाँ आगे से, आगे से। ओके थैंक यू। ये रास्ता है लेह पैलेस जाने का। सो फ्रेंड्स, मैं आगे हुए एक हिल कॉम्प्लेक्स पे जिसे लोकली खार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपके तीन मॉन्यूमेंट्स हैं, मेरे पीछे है लेह पैलेस, ऊपर में आप देख सकते हो ये है सीमो कैसल और नामग्याल गोम्पा या मोनेस्ट्री, और यहीं से
उसका रास्ता जाता है। ये देखिए यहाँ से एक छोटा सा डस्टी आप रोड देख रहे हो, एग्जैक्ट ट्रैक टाइप्स, ये आपको लेके जाती है मियल गोम्पा तक। वैसे इसके लिए गाड़ी भी जाती है, गाड़ी आपको लेकिन दूसरे साइड से आपको जाना पड़ेगा। अभी आज का अट्रैक्शन है, जो मेन अट्रैक्शन है वो है लेह पैलेस, जो है हमारे बिल्कुल सामने है। ये आपका लेह पैलेस, अभी मैं चल रहा हूँ लेह पैलेस की तरफ। और नीचे आप देख सकते हैं पूरे लेह सिटी की पैनोरामिक व्यू। लेह पैलेस 9 stories हाई। ये पैलेस जो है वो 17th century में बनाया गया था। लेह पैलेस का निर्माण राजा सेंगे नामग्याल ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। इस पैलेस को लैचन पालकर पैलेस भी कहा जाता है। ये पैलेस ओल्ड लेह सिटी के ऊपर स्थित सेमो रिज के ऊपर बना हुआ है, जिसे लोकली खार के नाम से भी जाना जाता है। इस माउंटेन रिज पे लेह पैलेस के अलावा सेमो कैसल और नामग्याल मोनेस्ट्री भी स्थित है। लेह पैलेस के ऊपरी मालों से आपको लेह शहर का एक पैनोरामिक 360 degree व्यू दिखता है। इस पैलेस के ऊपरी मालों में रॉयल फैमिली का रेजिडेंस हुआ करता था, पर मिड 19th century में डोगरा फोर्सेस के लद्दाख पर कब्जे के बाद राज परिवार को स्टॉक पैलेस शिफ्ट होना पड़ा। इसी वजह से इस पैलेस को फॉरगॉटन मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में स्थित विश्व प्रसिद्ध पोटाला पैलेस से प्रेरित ये इमारत अपने समय की बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। 9 माले ऊंची ये इमारत इंडो तिब्बतन आर्किटेक्चरल स्टाइल का अनूठा नमूना है। जैसा कि आप लगभग सभी तिब्बतन स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग्स में पाएंगे, ये इमारत मड, ब्रिक्स और स्टोन से बनी हुई है और अपनी सादगी से आपका मन मोह लेती है। चूंकि मध्यकाल में लद्दाख सेंट्रल एशिया से आने वाले बहुत सारे ट्रेड रूट्स का जंक्शन था, आपको न सिर्फ लेह पैलेस बल्कि पूरे लद्दाख के आर्किटेक्चर में सेंट्रल एशियन, पर्शियन और तिब्बतन इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेंगे। लेह पैलेस में एक वेल मेंटेन्ड पिक्चर गैलरी है, जिसमें लद्दाख के कल्चर के हर पहलू से जुड़ी हुई तस्वीरों का कलेक्शन है। यहाँ आपको लद्दाख और तिब्बत में स्थित विभिन्न मोनेस्ट्रीज जैसे कि पोटाला पैलेस, आलची मोनेस्ट्री, लामा यूरू मोनेस्ट्री, स्टॉक पैलेस आदि के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ लद्दाख के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और धर्म के बारे में भी काफ़ी जानकारी इन तस्वीरों में कैद है। जब आप इस पैलेस को विजिट करें तो ये गैलरी देखना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ लेह पैलेस के 8th level पे। 9th level जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं उसके ऊपर जाने का रास्ता बन गया अभी, और यहाँ से आप पूरे लेह का एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पैनोरामिक व्यू ऑफ लेह फ्रॉम लेह पैलेस 8th level। देखिए पीछे आप मेरे जो हाईएस्ट पीक देख रहे हैं वो स्टोक कांगड़ी पीक है, जो लद्दाख रीजन में सबसे हाईएस्ट पीक है। ये एकदम टोटली 360 degree व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप ऊपर देख रहे हैं वो है सीमो कैसल और नामग्याल मॉनेस्ट्री, और वहाँ जाने का रास्ता यहाँ से एक छोटी सी डर्ट ट्रैक है, मैं आपको दिखाता हूँ। रुकिए, देख पा रहे हैं एक बंदा जा रहा है उस रास्ते पे, छोटी सी डर्ट ट्रैक है, 20 मिनट में पहुँच सकते हैं ऊपर। और या तो फिर आप इस हिल के दूसरी साइड से बाइक से या कार से आप जा सकते हैं, गाड़ी जा सकती है, वहाँ रोड है वहाँ तक। और ये ऊपर हिल टॉप पे है आपका नामग्याल मॉनेस्ट्री।
फ्रेंड्स ये है हमारे पीछे सीमो कैसल का रास्ता जो हम नहीं ले रहे बिल्कुल भी। ये रास्ता तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। I'll be on my bike, I'll go on my bike। So friends, लेह पैलेस हो गया। आप चलेंगे सीमो कैसल और नामग्याल गोंपा यानी मॉनेस्ट्री। यहाँ से वो डर्ट ट्रैक तो थी बट मैं बिल्कुल भी बोल लेने वाला नहीं था। तो आगे खारदुंगला रोड से रास्ता जाता है नामग्याल मॉनेस्ट्री के लिए, तो उसी से चलेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। धूप एकदम तेज है, टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस है पर धूप जो है बिल्कुल शार्प है एकदम तेज। सो फ्रेंड्स मैं आपको रास्ता बताता हूँ नामग्याल गोंपा का सीमो कैसल का। सो आपको क्या करना है कि आपको ले बस स्टैंड से खारदुंगला वाली रोड लेनी है, उसके बाद करीब 4-5 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक यहाँ पे डाइवर्जन मिलेगा जो आपको सीमो कैसल और नामग्याल गोंपा ले जाएगा। ये रहा ये डाइवर्जन और इधर ये रोड खारदुंगला की तरफ चली जाती है। सो ये रोड ले करके हम पहुंच सकते हैं इजीली गोंपा। ये रहा सीमो कैसल और नामग्याल गोंपा। अच्छा सो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूँ सीमो मॉनेस्ट्री। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता जाता है और चलते हैं अंदर देखते हैं। पाका रास्ता। सो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, डॉन्टिंग सी लग रही हैं सीढ़ियाँ। ये ऐसे जाना है हमें ऊपर की तरफ। सीमो रिज पे ही लेह पैलेस के ठीक ऊपर सीमो कैसल और नामग्याल मोनेस्ट्री स्थित है जिसका निर्माण नामग्याल राजवंश के राजा ताशी नामग्याल ने करवाया था। इस मोनेस्ट्री के मुख्य आकर्षणों में से एक 3 माले ऊंची मैत्री बुद्धा की मूर्ति है जो बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स और तिब्बतन टांका पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं जिससे लद्दाख की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। सीमो मॉनेस्ट्री जिस कॉम्प्लेक्स में स्थित है उसे सीमो कैसल भी कहा जाता है, पर अब पुराने किले के बस अवशेष ही बचे हैं। पर फिर भी ये पूरा कॉम्प्लेक्स काफी वेल मेंटेन्ड और प्रिजर्व्ड है क्योंकि ये मॉनेस्ट्री लेह पैलेस से भी ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ से लेह शहर के बहुत ही खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। सब नीचे देख सकते हैं लेह पैलेस है और ये नीचे से एक डर्ट ट्रैक जो आ रही है तो नहीं आपको शायद दिख रही होगी, वही रास्ता यहाँ तक ले आता लेकिन उसमें ट्रैक करना पड़ता 20-25 मिनट का जो मैंने ना करके मैंने बाइक से आना प्रेफर किया। सामने आपके लेह पैलेस और लेह पैलेस और ये रही वो डर्ट रोड डर्ट ट्रैक जो भी नीचे नीचे से आ रही है। सो फ्रेंड्स आप चलते हैं शांति स्तूप। सो गूगल मैप्स के हिसाब से यही ये जो आगे खारदुंगला रोड है इसी रोड पे आगे जा करके लेफ्ट ले करके रास्ता है शांति स्तूप के लिए। तो चलते हैं अभी वहाँ और शांति स्तूप को भी देखते हैं। ये रहा खारदुंगला रोड आपका और आगे जा करके लेफ्ट में रास्ता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको रास्ता बता दूं, अगर आप सीमो कैसल से आ रहे हैं सीमो कैसल की तरफ से आ रहे हैं तो आप सीधे खारदुंगला की तरफ निकलिए और ये जो पेट्रोल पंप पड़ता है HP का पेट्रोल पंप के सामने वहीं से एक लेफ्ट में रास्ता जाता है, वो रास्ता लेकर के आप पहुंच सकते हैं शांति स्तूप। तो अभी चलते हैं। ये रहा डाइवर्जन। तो रास्ता समझ नहीं आ रहा था तो गूगल मैप्स की सहायता ली गई है
सामने शांति स्तूप दिखाई तो दे रहा है, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन घुमावदार रास्ते होने की वजह से थोड़ा समझने में परेशानी होती है। एंट्री शांति स्तूप की, वो रहा शांति स्तूप। ये पहुंच गए फ्रेंड्स हम शांति स्तूप। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ शांति स्तूप, और ये शांति स्तूप जो है ये बनाया गया था एक जापानीज बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने बनाया था ये 1991 में। सो टू स्टोरी स्ट्रक्चर है, और इस स्तूप को बनाया गया था पीस पैगोडा मिशन के अंतर्गत, और इन उस उपलक्ष्य में जब बुद्धिज्म के 2500 साल पूरे हो गए थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर चल के कैसा दिखता है ये रास्ता सामने की तरफ से। ये देखिए आप, शांति स्तूप भारत और जापानी बुद्धिस्ट लोगों के बीच मित्रता की अनूठी मिसाल है। इस स्तूप के दूसरे स्तर पे गौतम बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षण जैसे कि जन्म, निर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण भित्ति चित्रों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा लेह लोकल साइट सीइंग का पहला पार्ट। अगले भाग में मैं कवर करूंगा लेह के कुछ और अनोखे मॉन्यूमेंट्स जैसे कि हॉल ऑफ फेम, जोरावर फोर्ट, सेंट्रल एशियन म्यूजियम, गुरुद्वारा दातून साहिब और शंकर मोनेस्ट्री। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफाइड। और अगर आपने मेरी लेह सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो देखना ना भूलें, मैं लिंक ऊपर कार्ड्स में ऐड कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे लेह एपिसोड के अगले भाग में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।